जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, कि दुनिया में ज्योतिषी लोग हमें कहते हैं कि अभी गुरु इस स्थान पे है तो आपका भला होगा, अभी फला स्थान पे पहुंच गया तो आपका बुरा होगा, तो जैन धर्म में इसके संबंध में कुछ आता है क्या? देखो, धर्म जो है ना वो केवल विषय की व्याख्या कर सकता है। धर्म हो या कोई भी जानकार व्यक्ति हो, विषय की व्याख्या करेगा, और जो व्यक्तिगत स्टेटमेंट्स है ना वो आपको पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर ज्योतिषी देगा। और पर्टिकुलर ज्योतिषी जो दे रहा है ना वो उस सब्जेक्ट को आपके साथ रिलेट करके दे रहा है। इसको ऐसे समझो कि आप बीमार किन कारणों से होते हो और किन कारणों का निवारण कर दो तो आप स्वस्थ हो सकते हो, ये व्याख्या एक सामान्य चिकित्सा शास्त्र कर देगा। लेकिन अब आपको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के लिए आपको पहले डायग्नोस करवाना पड़ेगा, वो एक डॉक्टर के पास जाके करवाना पड़ेगा, और डॉक्टर आपकी पूरी डायग्नोस के बाद में वो चार्टशीट दे के बताएगा कि अब आपको ये टैबलेट लेने की ज़रूरत है, अब ये टैबलेट लोगे तो आपके शरीर में आई हुई बीमारियाँ दूर हो जाएगी। अब आप जाके चिकित्सा शास्त्री से, आयुर्वेद लिखने वाले व्यक्ति से या चिकित्सा शास्त्र लिखने वाले व्यक्ति से जाके पूछो कि क्या आपने ये भी व्याख्या की है क्या कि मेरी कोई बीमारी आएगी तो मुझे इस टाइम ये दवाई खानी पड़ेगी। वो कहते भाई हम पर्सनल बात नहीं करते, हम तो केवल चिकित्सा शास्त्र का विज्ञान बताते हैं। ठीक है, तो धर्म क्या कर रहा है, परम विज्ञान बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी ग्रह है, नक्षत्र है, वो सब बात की बात है। सबसे पहला आपका नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, चंद्र, राजा आप खुद हो। आप अपने आप को सम्यक दिशा में रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें सम्यक गतिमान होगी। आप अपने आप को मिथ्या दिशा में ले जाओगे तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए उस रूप में गतिमान होगी। धर्म तो परम विज्ञान बता रहा है। अब उस परम विज्ञान के आगे जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ना वो ये बताती है कि तुम्हारे को ये बीमारी है तो इसका कारण ये है। वो लोग अल्टीमेट नहीं बता रहे, वो लोग शॉर्ट बीमारियाँ और उसका उपाय वो बता रहे हैं। अब तुम्हें लगता है कि अरे मेरे को बुखार आया तो मुझे ये मेटासिन लेनी चाहिए या क्रॉसिन लेनी चाहिए या पैरासीटामोल लेनी चाहिए, ये बात किसी जैन धर्म में लिखी है कि नहीं लिखी है? तो भैया मैं कहूँगी जैन धर्म में तो नहीं लिखा क्रॉसिन लो, पैरासीटामोल लो, बुखार आवे तो कौन सी दवाई लो, किसी जैन शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आप लोगे कि नहीं लोगे? लोगे। और जब बीमार होगे और दवाई खाओगे तो पूछने जाओगे क्या कि हमारे जैन धर्म में ऐसी शास्त्र में तो नहीं लिखा है पैरासीटामोल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, और हम बड़े विचित्र आदमी हैं, किस सवाल को कहाँ ले जाते। अब भूख लगी है तो चावल खाओ, डोसा खाओ, रोटी खाओ, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, तुम्हारी मर्जी। भूख लगी तो पेट भर लो, लेकिन कहो कि जैन धर्म में कहाँ लिखा है बाजरा खाना कि मक्का खाना? तो भैया जैन धर्म में तो कहीं नहीं लिखा बाजरा खाना मक्का खाना, तो फिर मत खाओ। तो ऐसा तो नहीं खाओगे, खाओगे तो सही। भाई सीधा जैन धर्म बताता है भूख लगती है तो उसका उपाय होता है। ओके, ये जैन धर्म बताता है, ऐसा भी नहीं कह रही, केवल आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। बाकी हकीकत तो धर्म को इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि धर्म आध्यात्मिक होता है और आपकी जो क्वेश्चन है बड़े सांसारिक है। अब सांसारिक सवालों के जवाब तुम अध्यात्म शास्त्र में जाके पूछोगे कि धर्म में कहीं लिखा है कि दो बच्चे पैदा करने चाहिए, तीन करने चाहिए? तो भैया धर्म में कहीं नहीं लिखा है, तुम्हारी मर्जी। पर आदमी बड़ा अजीबोगरीब है, ज्योतिष की बात आती है तो जैन धर्म में ढूंढने जाता है, वास्तु की बात आती है जैन धर्म में ढूंढने जाता है। अरे जब शादी करी तो जैन धर्म में ढूंढने गए थे क्या? हाँ, जब लड़का मिलाने मैच करने गए थे तब जैन धर्म में ढूंढने गए थे कि शास्त्र में कहाँ लिखा है कि लड़का किस आधार पे, किस गुणों के आधार पे मिलाना चाहिए? तब कुछ नहीं ढूंढने गए थे। हम बेतालमेल के क्वेश्चंस उठा उठा करके एक दूसरे को जोड़ देते हैं और सोचते हैं अरे बड़ा बड़ा शंका है हमारे मन में, तो जैन धर्म में कहाँ लिखा है वास्तु के बारे में? अरे भैया जैन धर्म के यही बातें बताने बैठा था क्या कोई भी धर्म? और फिर हर चीज का शास्त्र अलग अलग होता है, तो जिस चीज का आपको ज्ञान करना है उस चीज के शास्त्र के मूल अर्थों तक जाओ ना, गहरा स्टडी करो। वो तो हम करते नहीं, हम तो एक पत्ती लेकर आते हैं फिर इस एक पत्ती को मैच करते हैं कि कितने पेड़ों के साथ मिलती है। अगर इतने सारे पेड़ों के साथ मिलती है तो पत्ती राइट है। अरे भैया वो पत्ती जिस पेड़ की है उसी तक रख लो, वो उस पेड़ की भी बाकी सारी पत्तियों के साथ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो उस पेड़ की भी एक पत्ती है और एक पत्ती सारी पत्तियों से नहीं मिलती। समझ गए मेरी बात को? बुरा लगा तो क्षमा। जय हो।